focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम के पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और इंश्योरेंस की बुनियादी बातों, मसलन लाइफ इंश्योरेंस और बतौर निवेश विकल्प इंश्योरेंस कितना अहम है, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन आज भी हमारा चर्चा का फोकस इंश्योरेंस पर ही होगा और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के दूसरे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमारे काफी काम आ सकते हैं। इस बातचीत में बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंह भी। और एपिसोड के बाद आपके जहन में अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें पहला कदम की वेबसाइट, फेसबुक पेज और ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस सीजन में हमने आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए तमाम सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये थी वो जरूरी जानकारी जो आपको देनी थी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की और समझते हैं सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस के पहलुओं को, जहां पर सबसे ज्यादा कॉमन और आम तरह का इंश्योरेंस हम जानते हैं जो हमें हमारी कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है वो लगभग सभी के पास होता है और अमूमन हम लोग जो है उसी पर काफी हद तक डिपेंड भी करते हैं, निर्भर भी रहते हैं। अनिल जी, ये इंश्योरेंस जो है ये नौकरी पेशा लोगों के लिए और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, तो एम्प्लॉयज हेल्थ पॉलिसी होती है। होता क्या है कि एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज के बिहाफ पे एक पॉलिसी लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसे कहते हैं हम एम्प्लॉय हेल्थ पॉलिसी। अब उसमें क्या होता है, हर एक आदमी का इंश्योरेंस जो होता है, जो भी रोल्स पे हैं उनका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। तो बजाय इंडिविजुअली एक एक आदमी जाकर एक एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले, कंपनी ले लेती है बिल्कुल, और कंपनी उनको सारों को कवर करती है। तो अब जब आप एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है, जैसा कि आप या हम हैं, हमारी कंपनी ले रखा, तो हमें सबसे पहले चीज क्या देखनी होती है कि क्या कवर किस किस के लिए लिया गया है। हाँ। हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस के फॉर्म में वो हमें दिया जाता है, जहां पर कई बार फैमिली मेंबर्स, माता पिता और स्पाउस भी कवर होते हैं। यस यस, तो अलग अलग ऑप्शन है। कुछ लोगों के लिए खाली खुद के लिए होता है, कुछ कंपनियां खाली एम्प्लॉय को देती है, कुछ कंपनियां फैमिली मेंबर्स को देती है जिसमें आपके स्पाउस और बच्चे हो सकते हैं, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली को जिसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जब आपको एम्प्लॉयज हेल्थ कवर पॉलिसी मिली तो ये भी आपको देखना है कि उसमें पॉलिसी में क्या है। अगर आप क्लेम करते हैं तो क्या पूरा का पूरा क्लेम आपको दिया जाएगा या पार्ट क्लेम दिया जाएगा, ये दोनों चीज ये भी देखना जरूरी है। तो अगर पार्ट क्लेम है तो पार्ट क्लेम के केस में बाकी का जो क्लेम है, मतलब रीइंबर्स करने का तरीका जो होता है, वो कुछ खुद को भी भरना पड़ सकता है, तो वो भी वो देखना चाहिए। दूसरा ये कि एम्प्लॉय हेल्थ पॉलिसी के केस में ये देखना जरूरी है कि वो पॉलिसी आपकी कब से शुरू हो रही है, क्योंकि क्या होता है कई बार होता है कि जैसे कोई हम किसी को नए जॉब पे रखते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है ना, हम 6 महीने बाद कंफर्म करेंगे कि आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय है कि नहीं। तो कई बार वो परमानेंट होने के बाद उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू होती है, क्योंकि एचआर की पॉलिसी है कि कब से उन्हें इंश्योरेंस देना है, तो वो भी देखना जरूरी है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो देखनी चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल, और ये इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी कंपनी का जो आपको जिसका फायदा उठाना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने, आपकी कंपनी ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए अलग से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे। अगर आपने ये कंपनी छोड़ दी है तो ये कवर भी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, जब आप कंपनी का कोई इंश्योरेंस लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, दो चीज़ें। कई बार क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको ग्रुप में इंश्योरेंस दे रही है तो उन्हें नहीं पता कि मेरी हेल्थ कैसी है और आपकी हेल्थ कैसी है। बिल्कुल ठीक है, प्लस उन्हें नहीं ये पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हैं। तो नेचुरली एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, कमाई के हिसाब से इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो अब ये कंपनी पर आता है कि अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कवर का अमाउंट हो सकता है। ओके, ये ध्यान में रखने की बात है। अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कवर अमाउंट हो सकता है। तो कुछ कंपनियां तो क्या करती है कि एज के हिसाब से करती है कि हमारे 35 साल तक के उम्र के जो एम्प्लॉय है उनके लिए कवर 5 लाख का है। ओके,
35 से 45 साल वाले हैं उनके लिए 10 लाख का है, 45 से ऊपर वाले हैं उनके लिए 20 लाख का, अलग अलग कर सकती है। तो पहला तो ये कि कवर का अमाउंट आप कहाँ फिट हो रहे हैं वो देखिए, वो चीज़ देखना जरूरी है। दूसरा ये कि आपको जो क्लेम मिलेगा उसकी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको ग्रुप इंश्योरेंस दे रही है तो वो आपका मेडिकल चेकअप नहीं करती हर एक एम्प्लॉय का। हाँ, हाँ। दे दिया भाई, जैसे आप TV18 के एम्प्लॉय हैं आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो अब उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार हर बीमारी के लिए क्लेम का अमाउंट फिक्स हो जाता है। ओके। कि सपोज आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है, कॉस्ट आई 50,000 रुपए, लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में हो सकता है कि 25,000 ही देंगे। ये चीज ध्यान में रखिए, किसी भी बीमारी का एक कैप हो सकता है। तो जब आप ग्रुप के इंश्योरेंस ले तो ये मत सोचिए कि ये तो हमारे HR डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने तो जो किया ठीक है आपके लिए पॉलिसी दी, लेकिन आपकी पॉलिसी में आपकी क्या कवरेज है वो तो आपको पता होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रुप इंश्योरेंस आप जब लेते हैं चाहे वो एम्प्लॉयज वाला हो या कोई और हो, प्री और पोस्ट डिजीज ये आपको पता होना चाहिए। कि यानी कि जिस दिन आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस दिन आपको बीमारी थी पहले से कोई, और उसके बाद में आप उसका क्लेम लेते हैं तो वो कवर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली पोस्ट वाली डिजीज कवर होगी या प्री वाली भी होगी? प्री वाली होगी तो प्री वाली क्या 100% होगी या कम होगी? हाँ। पोस्ट वाली तो जनरली 100% होती है। होगी। हाँ। तो या साल दो साल के बाद होगी। Exactly. तो ये सारी चीजें हैं। तो जो जब आप ग्रुप या एम्प्लॉय वाला इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब चीजों को आपको देखना समझना जरूरी है। क्योंकि ये कुछ केसेस में मेरे खुद के काम पड़ा, तो जब मैंने जब आपको कोई सर्जरी करवानी है ऑपरेशन करवाना है पता चले तो फिर आप सोचते हैं अरे तो लिमिट क्या है, है? हाँ। अरे क्या प्री और पोस्ट का क्या सीन है? हाँ। तो ये आपको देखना समझना जरूरी। तो ये जब मुसीबत आए तब ना देखें, जब आपने नौकरी ज्वाइन की उसी दिन एक दिन गए एचआर के पास, समझ भाई कि भाई ये मुझे बता दीजिए आप मुझे कितना क्लेम दे रहे हैं। हाँ। उस क्लेम के सामने मेरी क्या क्या सिचुएशन है वो मुझे पता चल जाए बस। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अपना खुद का भी एक इंश्योरेंस कवर हो। अब जैसे कि अगर कवर अमाउंट की हम बात करें, अगर 5 लाख का कवर आपको आपकी कंपनी दे रही है उसमें आप भी कवर है, आपके माता पिता भी कवर है, आपके आपके परिवार के दूसरे से भी कवर है, तो ऐसे में जो ओवरऑल कवर अमाउंट है वो अनिल जी बहुत कम हो जाता है। और आपको फिर अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा कवर लेना बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं इसमें। अब ग्रुप इंश्योरेंस में भी दो तरीके से होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज वाला हो या कोई दूसरा। एक तो ये कि आप अपना खुद का इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस मिलता है। अब समझिए मेरे ऑफिस ने मुझे 20 लाख का कवर दिया है, अब उस 20 लाख के कवर में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स अगर सारे कवर्ड हैं और स्पेशल कुछ बीमारियों के लिए कवर्ड है, तो अब होता क्या, उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं फ्लोटर, यानी कि उसमें परिवार के सदस्य आपके डिपेंडेंट लोग वो सारे कवर हैं। तो फ्लोटर का मतलब क्लियर है कि एक ही पॉलिसी में एक से ज़्यादा लोग कवर्ड हैं। अब उस पॉलिसी में दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि जो पहले बीमार पड़े वो क्लेम ले ले, ठीक है, जो बीमार हो गया उसको मिल जाएगा जितना अमाउंट है उतना। समझिए आपने फैमिली का एक 20 लाख का फ्लोटर लिया हुआ है, ठीक है, तो किसी का हार्ट का ऑपरेशन 15 लाख का हो गया, पूरा कवर 15 लाख तो गया, फिर बचे हुए 4 लोगों के लिए 5 ही लाख बचा। लेकिन कुछ कुछ पॉलिसी में क्या है, जब फ्लोटर कवर इंश्योरेंस कंपनियां देती है तो दो कंडीशन डाल देती है, किसी एक आदमी को एक अमाउंट से ज्यादा नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ। कि भाई अगर आपने 5 लोगों का लिया है, हाँ। तो 5 लोगों में हम एक आदमी को, भले 5 लोगों में आपने 20 लाख का कवर लिया, लेकिन हम एक आदमी को 10 से ज्यादा नहीं देंगे, या हम किसी एक बीमारी पर इससे ज्यादा नहीं देंगे। हाँ। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इतना आसान काम नहीं है, इसकी टर्म्स कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये, और ये सबसे बड़ी दिक्कत, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये कविता सबसे बड़ी दिक्कत है ना एम्प्लॉयज़ की है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले, उन्होंने क्या लगता है हमारा एचआर डिपार्टमेंट एकदम परफेक्ट काम करता है, हमें कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमारे लिए जो इंश्योरेंस ले रखा होगा वो परफेक्ट होगा। सही बात है, आपका ये सोचना एकदम सही है, उन्होंने जो कर रखा है परफेक्ट कर रखा होगा आपके लिए ठीक होगा, लेकिन आप क्या चीज़ के एंटाइटल हैं, अगर जरूरत पड़ गई तो आपको क्या मिलेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से जरूर पूछें कि भाई हमारा कितना इंश्योरेंस है, फैमिली का कितना है, पोस्ट डिजीज कितनी कवर है, पास्ट डिजीज कितनी कवर है, किसी भी क्लेम पर क्या लिमिट है, किसी भी बीमारी पर क्या लिमिट है, फैमिली फ्लोटर है तो एक फैमिली फ्लोटर में एक
परिवार का एक सदस्य कितना ले सकता है, ये सब सवाल आपको पूछने हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आपका खुद का इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस तरह के परिवार को किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या आपके पास सभी के पास अलग अलग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए या फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर अब बात करते हैं। अगर प्रीमियम के आधार पर हम समझना चाहें तो फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो है, जो घर में सबसे ज्यादा उम्र के शख्स होंगे उनकी एज के मुताबिक प्रीमियम इसका डिसाइड किया जाता है। लेकिन फ्लोटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज और इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या अंतर है? देखो, बड़ा अंतर तो एक ही है, इंडिविजुअल पॉलिसी में एक ही का होता है और फ्लोटिंग में एक से ज्यादा लोगों का होता है। फ्लोटिंग में एक से ज्यादा में मतलब किसका होगा? खुद का, वाइफ, बच्चों का और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स का। इससे ज्यादा कोई फ्लोटिंग मिलती नहीं है। जैसे आप अपने इंश्योरेंस के लोगों का नंबर बढ़ा लेते हैं, रिस्क कम हो जाती है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनियां खाली एक आदमी इंश्योरेंस करने जाएगा तो प्रीमियम ज्यादा लेगी, पांच आदमी छह आदमी का प्रीमियम बढ़ेगी लेकिन प्रोपोर्शनेटली छह गुना नहीं हो जाएगी, सपोज छह जने का। इसलिए आदमी फ्लोटर लेना पसंद कर रहा है। और सबको पता है कि भाई ठीक है, अगर कोई बीमारी आई फैमिली में तो एक आदमी के बीमारी हो सकती है, ऐसा तो बहुत कम चांस है कि लाखों में एक आध हो जाए, एक साथ सब लोगों को कोई बीमार हो गया, एक साथ सबका एक्सीडेंट हो गया तो सबके इंश्योरेंस आ गया, वो एक अलग बात है। तो अदरवाइज जनरली एक साथ सब लोगों के अटैक आएगा, एक साथ सब लोगों को कैंसर होगा, एक साथ सब लोगों के कोई घुटने खराब हो जाएंगे, ये तो एक साथ नहीं होता। तो नॉर्मल केस में एक एक्सीडेंट को छोड़ दें, अदरवाइज तो सारे लोगों को एक साथ क्लेम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। इसलिए फ्लोटर लेना अच्छी बात है, ताकि फ्लोटर में आपका काम हो जाता है। अब अगर फ्लोटर के केस में यंगस्टर्स ज्यादा हैं, कम उम्र के लोग आपके उस फ्लोटर में ग्रुप में ज्यादा हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगी। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकती है। और उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी अलग होती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका छोटा परिवार है तो आपको फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बड़ा परिवार है, खासतौर से अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो अपने लिए आप फ्लोटर ले लीजिए, लेकिन माता पिता को आपको अलग से इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करना चाहिए। लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए, और आपको बता दें एक बार फिर से कि इस सीजन में हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है, पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। स्वागत है आपका पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। और हमने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस पर चर्चा की है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और मोटर इंश्योरेंस पर चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आपकी गाड़ी का जो बीमा है वो आपको लेना चाहिए, कितने का बीमा आपको लेना चाहिए, और साथ ही किस तरह से मोटर इंश्योरेंस के तमाम फीचर्स में और रूल्स में भी बदलाव हो रहे हैं। तो अनिल जी, एक एक करके शुरुआत करते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे तय किया जाता है इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए? IDV ये शब्द है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, और इसका मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि वो रकम जिसके बेसिस पर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है, फर्ज करें आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए में, ठीक है, तो पहले साल तो आपका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, नई की नई गाड़ी है। अगले साल इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी की एक वैल्यू निकालती है, उस वैल्यू को कहते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, IDV। अब जो आपकी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू है, जरूरी नहीं कि IDV भी वो सेम हो, क्योंकि अगले साल इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि एक साल में आपकी गाड़ी चली होगी, कुछ तो डेप्रिशिएट हुई होगी, तो उसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए। तो IDV आपकी गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम रहेगा और उतने ही अमाउंट का इंश्योरेंस दिया जाता है। ओके। एक बेसिक चीज, जो भी आदमी मोटर इंश्योरेंस या गाड़ियों का बीमा लेने जा रहा है उसको ये समझ लेनी चाहिए कि कभी भी भगवान न करे आपकी गाड़ी पूरी स्क्रैप हो गई, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कचरा एकदम, मतलब वो लोहे के भाव ही बिकेगी, समझिए उसमें कुछ नहीं बचा, तो क्या मेरा जितना इंश्योरेंस अमाउंट है गाड़ी का, IDV जितना है, क्या मैं उससे नई गाड़ी खरीद सकता हूँ? जी नहीं। ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि नई गाड़ी रिप्लेसमेंट के लिए जो पैसे आपको चाहिए इंश्योरेंस कभी भी उतना नहीं मिलेगा, नेवर, उससे कम ही मिलेगा। क्यों? उसका लॉजिक भी समझना जरूरी है। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में आपके नुकसान की आपकी जो वैल्यू उसकी भरपाई की जाती है, जनरल इंश्योरेंस में आपको उतना ही पैसा दिया जाता है जितना नुकसान हुआ है,
न कि पूरा पैसा कि आप नई गाड़ी खरीद सके, ठीक है। तो आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना नुकसान हुआ, यानी कि जो टूट फूट हुई है। और जाहिर सी बात है कि टूट फूट होकर आपकी गाड़ी जीरो तो नहीं हो जाएगी, और इसलिए कभी भी आपको उतना क्लेम मिलेगा नहीं कि आप इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि भाई सारे गेट वेट दरवाजे टूट गए, कांच वाच टूट गए, बोनट वोनट डिक्की विक्की ये सब हो गया, तो आप नई गाड़ी खरीद पाए इतना क्लेम ले लें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप व्हीकल इंश्योरेंस खरीदें, कार इंश्योरेंस खरीदें, तो आप ये समझ कर चलें कि पहली बात तो एक नई गाड़ी खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना IDV कभी भी नहीं होगा, उतना इंश्योरेंस आपको कभी भी नहीं मिलेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी, ताकि आप गाड़ी को रिपेयर करवा सके, नई ना खरीद सके, रिपेयर करवा सके। तो इंश्योरेंस कंपनी इस बात का ध्यान रखती है। तो ऐसे में जब हम कवर लेते हैं, हम जब व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये कवर जो है किन किन चीजों को कवर करता है? देखिये, सबसे पहले तो गाड़ी को, चाहे कार हो, टू व्हीलर हो, जो भी जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस पर जो नुकसान होता है उसे कवर करता है। अब उसमें भी कविता बड़ी सारी चीज़ें हैं कि जब आप कवर के लिए जाते हैं, तो देखिए जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे IDV या इंश्योरेंस का जो कवर है वो कम होते जाता होता रहता है ना, हर साल कम होगा, पक्का है, निश्चित है, इसमें मतलब बढ़ने का तो किसी भी साल कोई चांस ही नहीं है, घटेगा कितना वही देखने वाली बात है। तो हर साल गाड़ी की कीमत कम होती दिखेगी, और कम होती दिखेगी तो प्रीमियम भी कम होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि प्रीमियम कॉन्स्टेंट रहेगी। अब इसमें कई सारे लॉजिक ऐसे भी हैं, अब मैं इसके सामने दूसरा लॉजिक रखूं कि भाई जब गाड़ी नई है तब तो कौन सा कोई गाड़ी खराब होती है, तो उसकी जरूरत क्या है इतनी ज्यादा? खराब तो जब गाड़ी पुरानी होती तब होती है, ठीक है, तो तब ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का फॉर्मूला वो नहीं है, वो ये नहीं सोचती कि नई गाड़ी कम खराब होगी तो हम आपको उस समय IDV कम रखें, पुरानी गाड़ी में ज़्यादा, वह नहीं। उनका सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई जब आपकी पुरानी होगी गाड़ी तो आपके पार्ट के रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, नया लगाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है रिपेयर करने के बजाय, ठीक है, और उस लिहाज से प्लस जो पार्ट आपका खराब हो रहा है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। बिल्कुल, तो उस लिहाज से जैसे जैसे पुरानी गाड़ी, और नेचुरली रिपेयर की जरूरत पुरानी गाड़ियों में ज्यादा होती है, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो जनरली रिपेयर के लिए नहीं दिया जाता, ये बात समझनी जरूरी है। इंश्योरेंस किस बात का है? एक्सीडेंट का एग्जैक्टली। अगर एक्सीडेंट में कोई गाड़ी खराब हो रही, कुछ हो रही, तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जा रहा है, नहीं कि रिपेयर के लिए दिया जा रहा है। तो ये एक बेसिक फर्क जो भी व्हीकल इंश्योरेंस ले रहा है उसको समझ लेना जरूरी है कि आपको पहली बात तो ये इंश्योरेंस जो मिलेगा गाड़ी का मिलेगा। लेकिन इसके अलावा दो और चीजों का इंश्योरेंस मिलता है, वो ये कि एक्सीडेंट के केस में जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप स्वयं हो सकते हैं, आपके परिवार, दोस्त लोग, कोई भी हो, अगर उन्हें चोट आ जाए तो, उनका कोई नुकसान हुआ हो तो, कुछ पॉलिसीज हैं जो उसे भी कवर करती है, तो इंश्योरेंस में वो भी आ सकता है। तो एक तो गाड़ी का हो गया, एक अंदर जो बैठे उसका हो गया, तीसरा एक और कवर होता है थर्ड पार्टी, यानी कि आपने जिसके साथ एक्सीडेंट किया, अब दो गाड़ी आपस में टकरा गई, या आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया, आप किसी की प्रॉपर्टी में जाके घुस गए, कुछ ठोक दिया ऐसा, तो वो भी कवर होता है। क्योंकि अगर सामने वाले ने क्लेम कर दिया और वो ऑब्वियसली दिखता है कि भाई आपकी गलत ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और वो जाकर कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कि भाई इनकी गलती से हुआ, तो उसका भी कवर मिलता है। तो तीन तरह के कवर है, व्हीकल का कवर है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का कवर है, गाड़ी के बाहर जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ उनके नुकसान का कवर है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें क्या क्या कवर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कितना कितना कवर हो रहा है। अभी आजकल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई व्हीकल इंश्योरेंस में, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाता हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि अब पॉलिसी है ना एक ही गाड़ी की, कई बार IDV भी अलग अलग आती है, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी वैल्यू उसकी कम देगी, कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, ज्यादा फर्क नहीं है। तो कि कैसे डिसाइड किया जाता है? अब वो फॉर्मूला है सबके इंश्योरेंस कंपनी के, अपने अपने फॉर्मूला है, ज्यादा फर्क नहीं होता, 5-7% का वेरिएशन हो सकता है वैल्यूएशन में, लेकिन हर इंश्योरेंस कंपनी का एक तो वैल्यूएशन अलग हो सकता है। दूसरा एक और बड़ी चीज है कि सारी इंश्योरेंस कंपनी जो रिइंबर्समेंट करती है ना, उसमें भी अलग अलग सिस्टम है। कोई इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हम प्लास्टिक रबर के जो पार्ट्स होंगे उनका 100% रिइंबर्समेंट करेंगे, कोई कहती नहीं हम उनका 50% ही करेंगे, कुछ कंपनियां कैशलेस की भी फैसिलिटी देती है व्हीकल इंश्योरेंस में, कुछ कंपनियां नहीं देती है। तो आप व्हीकल इंश्योरेंस खरीदना भी अब मतलब ये 2-3 दिन का काम है मेरे लिए,
मैं 2-3-4 कोटेशन मंगूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या कवरेज मिल रहा है, कहाँ थर्ड पार्टी कवरेज है, किसमें क्या चीज मिल रही है, किसमें क्या चीज नहीं मिल रही, किसमें जीरो डेप मिल रहा है. असली ये बड़ा फेमस है वो शब्द जीरो डेप. जीरो डेप का मतलब ये कि कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं गिना जाएगा, जितने का पार्ट रिप्लेस होगा पूरा पैसा दे दिया जाएगा. तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि आपकी इंश्योरेंस कवर में क्या क्या इंक्लूड है. बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्लेम का जो क्लेम करने का तरीका है वो कितना पेचीदा है या कितना आसान है, किन किन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही किस तरह से ड्राइविंग के ट्रेंड में बदलाव आ रहे हैं और उसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको अलग अलग तरह के फीचर पैक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज दे रही हैं. इन सब पे करेंगे विस्तार से बात, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस को आप कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या जरूरी होता है वो तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, और साथ ही अगर इसे रिन्यू कराना हो तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए. अनिल जी, सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी का जो बीमा लेना होता है उसके प्रोसेस से. बिना इंश्योरेंस गाड़ी निकलेगी नहीं शोरूम से बाहर. बिल्कुल. तो पहला इंश्योरेंस तो आपका हो गया. हाँ. ब्रांड न्यू कार है, शोरूम से बाहर निकल रही है, उसके पहले इंश्योरेंस. तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलना ही अब शुरू होगी. बिल्कुल. तो उन्हें पता है, IDV भी पता है, क्या बिल आया है क्या नहीं, तो बहुत क्लियर है. ये तो हो गया. अब इंश्योरेंस की प्रोसेस अगले साल से, वो इम्पोर्टेंट है. अगले साल से इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात तो एक एक साल का इंश्योरेंस होता है. कुछ एक केस में धीरे धीरे एक से ज़्यादा साल के भी होने लगे हैं, लेकिन वो अभी तक पॉपुलर नहीं. तो गाड़ियों के केस में एक साल का इंश्योरेंस होता है. जैसे एक साल का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, तो पहला काम तो आदमी को ये करना चाहिए कि जो इंश्योरेंस की लास्ट डेट है उसका इंतजार ना करें. ओके. उसके पहले 5-15 दिन पहले ही ले लें इंश्योरेंस, रिन्यू करवा लें. ठीक है, अगर आप सेम इंश्योरेंस कंपनी से रिन्यू करवा रहे हैं 5-15 दिन पहले करा लें. अगर आपकी इंश्योरेंस की डेट निकल गई और आपने रिन्यू नहीं कराया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस नहीं होगा, होगा, लेकिन उस केस में गाड़ी का इंस्पेक्शन वापस होगा. ओके. वो इंश्योरेंस कंपनी आकर देखेगी, उनके मन में डाउट आ जाता है कि भाई आपने टाइम से नहीं लिया, इसका मतलब क्या कुछ गाड़ी में खराबी किया, और वो रूल है. फिर जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाला सर्वेयर आके आपकी गाड़ी नहीं देखेगा, इंस्पेक्ट नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है ना, आप छोटे मोटे कुछ खनोचे लग गई, कुछ स्क्रैच हो गए, तो वो आप इंश्योरेंस में क्लेम नहीं करते हैं. और जब अगर रिन्यूअल के टाइम आया, उसने देखा, तो वो पुरानी चीजें नोट कर लेगा. तो अगली बार आपकी गाड़ी कभी क्लेम की वजह से आई भी, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें तो मैं नहीं देने वाला हूँ आपको. तो इसलिए जब आप वो रिन्यूअल वाली नौबत ही ना आने दें, समय से पहले अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम भर लें, पहली बात. तो रिन्यूअल के केस में ये, अब आपको सेम इंश्योरेंस कंपनी को ही रिन्यू करना है, तब तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. चेक भेजा, ऑनलाइन ट्रांसफर किया, काम हो गया. लेकिन अगर आप अपना इंश्योरेंस कंपनी चेंज करती हैं, आमतौर पर अगर आपने पिछले साल क्लेम नहीं लिया, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनियां जनरली वापस आकर व्हीकल चेक नहीं करती है. लेकिन कई बार इंश्योरेंस कंपनी को लगता है तो वो आकर व्हीकल चेक करेगी कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी क्यों बदल रहे हैं, उसका कोई रीज़न तो होना चाहिए. अगर रीज़न सिर्फ प्रीमियम कमी होने की वजह से बदल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम आकर देखना चाहते हैं कि व्हीकल कैसी कंडीशन में है, गाड़ी ठीक ठाक है जैसा आप बता रहे हैं वैसी दिख रही है. ऐसा तो नहीं कि पहले एक्सीडेंट हो गया और अब आप रिन्यू कराते हैं फिर क्लेम के लिए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस की प्रोसेस में गिनी जाती है. तो आपको नए वाले में तो कुछ सोचना नहीं है, पुराना जब आप रिन्यू कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है. इसका सिंपल तरीका, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, समय पे आप प्रीमियम भर दीजिए. सबसे बढ़िया काम तो पहला यही कि आप समय से प्रीमियम भर दीजिए, ताकि बात ही खत्म. बिल्कुल. लेकिन ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि जो पूरा नेचर है व्हीकल इंश्योरेंस का या गाड़ी के बीमा का, उसमें बदलाव आ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारे ड्राइविंग पैटर्न्स और ड्राइविंग बिहेवियर में तब्दीलियां आ रही हैं. अभी तक कविता मालूम है क्या होता है, जब कार का इंश्योरेंस हो रहा था आप क्या देखेंगे, कार ही देखेंगे ना, क्योंकि कार कैसी है, ठीक ठाक है ना, इसी का तो इंश्योरेंस करना है. लेकिन आजकल वो बदल गया, कार का ओनर भी उतना ही देखा जाता है जितनी कार देखी जाती है. भाई कौन है, आप हैं, अच्छा गाड़ी कैसे चलाते हैं, आपका लाइसेंस हिस्ट्री क्या है, कितने एक्सीडेंट आपने किए हैं, कितनी बार आप सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए. आजकल तो सब डिजिटलाइज हो रहा है ना, धीमे धीमे तो सबका ट्रैक रिकॉर्ड है. अच्छा
तो अब धीमे, अच्छा वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बड़ा पॉपुलर है कि कार से ज्यादा कार चलाने वाले को देखा जाता है कि भाई जितनी इम्पोर्टेंस उस कार की उतनी इम्पोर्टेंस ड्राइवर की है, बिल्कुल, जो चला रहा है। हाँ। अगर वो ड्राइवर ऐसा है जो आदत ही है सिग्नल जंप करने की, तो वो बड़ा रिस्की ड्राइवर है। जिसकी आदत ही है बार बार ड्रिंक करके ड्राइव करने की, वो बड़ा रिस्की ड्राइवर। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब धीमे धीमे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो आपका ये ट्रैक, और अब जैसे जैसे ये सारा अब ट्रैफिक वाले रूल्स अब और जो ये पेनल्टी लगाने का सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, मुंबई में तो कई जगह हो गया, आप सिग्नल जंप करते हैं सीधा चले जाता है। तो अगर सपोज एक साल में मेरी गाड़ी ने 5 बार सिग्नल जंप किया है, अब अगली बार जब रिन्यूअल पे जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत डेटा देख लेगी, अच्छा 5 बार आपने ये काम किया, तो मतलब 5 बार आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची है। या अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे हिस्ट्री देखेगी, वो भी ऑनलाइन मिलेगा कि अच्छा किसी ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या कुछ गलत करते हुए, रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, तो वो सबसे अब प्रीमियम बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो यही मेन फैक्टर है इसका कि इन सब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा भी और कम भी तो हो सकता है। कम भी हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, कभी आपने सिग्नल जंप नहीं किया, नीट एंड क्लीन है, ये नो क्लेम बोनस की तरह वाला मामला है कि जब आप क्लेम्स नहीं लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपका लाइसेंस साफ सुथरा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड गाड़ी का साफ सुथरा है, तो फिर हो सकता है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी प्रीमियम कम करने की भी कोशिश करे, कम से कम बढ़ाएं तो नहीं। बिल्कुल, तो ये चीज है जिस पर ध्यान रखनी चाहिए कि अब धीमे धीमे जैसे जैसे सारे रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हो जाएंगे ना, जैसे जैसे सब ऑनलाइन हो जाएगा काम, उसके बाद न सिर्फ गाड़ी देखी जाएगी, गाड़ी वाला भी देखा जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने कम से कम व्हीकल इंश्योरेंस की तमाम बारीकियां समझ ली है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या? अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, देश विदेश घूमते फिरते हैं, तो आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनिल जी मुझे बताइए, ट्रैवल इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या क्या चीजें कवर होती है? मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस की जब मैं बात करती हूँ तो क्या क्या अपने आपको इंश्योर करवाना होगा? जब मैं किसी दूसरे देश में जा रही हूँ तो वहां हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे मुझे कवर करने चाहिए, अपनी जान का खर्चा कवर करना चाहिए, मेरे सामान का, किस किस का? सबसे पहली चीज तो जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो तो नहीं, अगर आप एक भी बार ट्रेवल कर रहे हैं तब भी ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ज्यादा करें, कम और ज्यादा का सवाल, ये किसको पता है कि कौन से वाले ट्रेवल में आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो किसी को नहीं पता ना, ये पता हो तो फिर उसी बार का लिया जाए ना। तो ट्रैवल आप पहली कर रहे हैं या पांचवी कर रहे हैं या 50वीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। और इससे भी मतलब नहीं कि आपकी 50वीं ट्रैवल है और आपने 49 बार ट्रैवल किया और आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए 50वीं बार नहीं होगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो कब क्या होगा इसका तो पता किसी को नहीं। और जब ये पता नहीं तो ट्रैवल करने के पहले जो सबसे आखिरी काम लोग करते हैं, बैग पैकेज करना, करेंसी लेना, ये करना, वो करना, सारे अपने कपड़े लेते हैं, ये वो सब, और बाद में अचानक लास्ट ट्रैवल इंश्योरेंस तो लिया नहीं। तो अब से जब भी ट्रैवल करें, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल करें, लोग तो डोमेस्टिक ट्रैवल में भी लेते हैं आजकल, तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का टिक होता है, करना चाहिए, मैं हमेशा करता हूँ। 25-50 रुपये, 100 रुपये लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपये कब जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो 100 रुपये आपके कब काम आ जाएंगे? ना काम आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम आ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो डोमेस्टिक ट्रैवल में भी, जो कि सस्ता इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रैवल में इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा है कंपेरेटिवली, लेकिन ले लेना चाहिए। और आपको पहले ही, क्योंकि फॉरेन विजिट्स तो बहुत कम लोगों की ऐसी होगी, 0.5% जो अचानक से होती होगी कि कोई बिजनेस की वजह से आ गया है, कोई फैमिली में कुछ अर्जेंसी होगी जिसकी वजह से आ जाए, अदरवाइज तो सारे लोग प्री प्लान जाते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम से जा रहे हो, चाहे घूमने फिरने जा रहे हो। तो आपको जब पता है कि आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो लेना सबसे मस्ट है, लेना ही चाहिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? किस का लेना चाहिए? हर एक चीज का, हर एक पॉसिबल चीज का, जिसमें सबसे पहले तो बाहर जाने में रिस्क क्या क्या है आपके लिए वो सोच लीजिए। सामान घूम जाएगा तो सबसे पहले तो आप अपने सामान का इंश्योरेंस कर लीजिए। अब सामान के इंश्योरेंस में आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी वैल्यू तक का इंश्योरेंस लेना है और आप कितनी वैल्यू का सामान लेके जा रही है। ओके, भाई आप, लेकिन ये वैल्यू हम डिसाइड कैसे करेंगे? कि वो तो इंडियन टर्म्स में होगी, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो फिर उसके टर्म में वैल्यू देखनी होगी। नहीं, इंश्योरेंस तो देखिए, अगर सपोज आप 200 ग्राम ज्वेलरी लेकर जा रही, समझिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आप
थाईलैंड गई, ठीक है, तो नेचुरली ज्वेलरी उल्ली साथ में लेके जाएंगे, तो वो वैल्यू तो आपको डिसाइड करने की, इतनी वैल्यू है आज, ये मेरी गोल्ड की वैल्यू, तो उस हिसाब से, क्योंकि इंश्योरेंस तो आप इंडिया में ले रहे हैं, हाँ, तो इंडियन वैल्यू के हिसाब से आपने सामान की वैल्यूएशन तो आप इंडियन वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं, पॉइंट नंबर दूसरा कि यानी कि अगर आपका सामान गुम गया, कुछ चोरी वोरी हो गई, तो वो इंश्योरेंस आपका एक कवर हो गया। दूसरा इंश्योरेंस होता है आपकी हेल्थ का, फर्ज करें आप बाहर जाकर बीमार पड़ गए, तो वहाँ जो इलाज का खर्चा आएगा, अब वो जरूर वहाँ का आपको सोचना है, हाँ। क्योंकि इंडिया का इलाज तो सस्ता है, बाहर बीमार पड़ना मतलब सबसे भारी काम है, मतलब वहाँ तो डॉक्टर वॉक्टर इतनी फीस लेते हैं कि जितने में यहाँ ऑपरेशन हो जाए आराम से, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लेना होना चाहिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर समझिए आपका पासपोर्ट वगैरह गुम गया कर गया, तो अब उसका कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन अंदाज से एक इंश्योरेंस का अमाउंट आप उसके लिए जोड़ सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक जोड़ ले। चोरी चकारी का अगर आपका कोई सामान, घड़ी, मोबाइल, ये वो कुछ गुम जाए कर जाए, तो या आपका वॉलेट गुम जाए, तो उसका इंश्योरेंस, तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती है। तो इसमें भी आपको ठीक वो पता होना चाहिए कि आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस ले रही हैं वो क्या क्या चीज़ें उसमें कवर हो रही है और किस वैल्यू तक की हो रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोग सोचते नहीं है, ट्रेवल एजेंट ने बोले आपका इंश्योरेंस कर दूं, हाँ कर दूं, अब उसमें क्या कितने अमाउंट का किया है क्या नहीं, वो कुछ नहीं, तो थोड़ा सा अगर समय से पहले जाएं, क्योंकि ये लास्ट डे वाली चीज़ नहीं है, फिर लास्ट डे आप अपने ट्रेवल एजेंट को कहेंगे या आप ऑनलाइन जाकर करेंगे तो फिर जो मिल रहा है ले लेते हैं, हाँ। थोड़ा सा पहले करेंगे ना तो आप आराम से ढंग का ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, और खासतौर से जब आप अननोन कंट्री में जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं, तो ये करना जरूरी है एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन यहां पर अगर क्लेम की नौबत आ जाए तो वो आप कैसे करेंगे, ये समझेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इस सीजन हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है, पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। स्वागत है आपका फिर से पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में, जहां पर हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है। और अब आगे बढ़ाते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पर हमारी इस चर्चा को। आपको बताते हैं कि अगर आप विदेश यात्रा के लिए गए हुए हैं और अगर वहां पर कोई अनहोनी हो जाती है या अगर आप बीमार हो जाते हैं या अगर आपका सामान गुम हो जाता है, तो इन सब परिस्थितियों में आपको क्लेम के लिहाज से क्या क्या जरूरी कदम है जो तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए। अनिल जी, अब ये बाहर बड़ी दिक्कत वाला काम है कि आप, एक तो क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा बिल आएगा, हाँ। ठीक है, तो बाहर खुद का मोबाइल ही बंद है ये फैक्ट बात है ना, या फिर लोकल नंबर लेंगे, ठीक है, तो अब कुछ हो गया तो आपके सामने दो बड़ी समस्याएं, हेल्थ खराब हो गई तो पहले तो ट्रीटमेंट कराओ, हाँ। अब ट्रीटमेंट कराएंगे या इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल, तो ये थोड़ा मुसीबत वाला काम है। तो पहले तो खैर आप अपना इलाज ही करवाना, इंश्योरेंस मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही मौका मिले तुरंत पहले मैं आपको इंश्योरेंस के लिए इन्फॉर्म करना है, राइट। और उसका एक और बड़ा तरीका, जब आप फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करना है, वो नंबर या ईमेल या आपके पास होना चाहिए, ये कोई नहीं करता, फैक्ट बात है, कोई नहीं करता, कोई इंश्योरेंस कंपनी का सब यही मान के चलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही नहीं है, हम ऐसा जिंदा रहते हैं कि जैसे हम कभी मरने वाले नहीं है, जबकि पता सबको है कि मरना है, लेकिन वो मरने की प्लानिंग कभी हमने की नहीं कि कब मरेंगे और कैसे मरेंगे। तो सिंपल चीज़ें वैसे ही सेम हाल है, जब आप फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो आप कभी ये सोचते नहीं कि हम बीमार पड़ेंगे, हमारी टांग टूटने वाली है या हमें अटैक आने वाला है या हमारा कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए आप ये तैयारी करके जाएं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनियों को कैसे इन्फॉर्म करूं, क्योंकि अगर आप टाइमली इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपका इंश्योरेंस वैलिड ही नहीं होगा। लेकिन आप इन्फॉर्म करने के लिए ट्रीटमेंट लेने का इंतजार तो नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तो तुरंत लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, खास तौर से लोकल वाले में तो चल जाएगा काम, कहीं से भी किसी को भी बोल दिया कुछ भी हो गया आराम से इन्फॉर्म हो जाता है। सपोज मैंने एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने मेरे ऑफिस में ही बोल दिया एचआर को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया मैं अचानक से एडमिट हुआ, वो भी कर देंगे आपके लिए, आपके दोस्त लोग कर देंगे, 50 तरीके हैं। लेकिन फॉरेन ट्रेवल पे आप जब जा रहे हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस में ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरत है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ जाए
तो आप इंश्योरेंस कंपनी को किस तरह से तुरंत इंटीमेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि केवल हॉस्पिटलाइजेशन या सामान गुम होने पर ही आपको जो है कवरेज मिलेगा। यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे इनोवेटिव फीचर्स आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज ने लॉन्च कर दिए हैं ट्रैवल के लिहाज से, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं अगर आप यात्रा कर रहे हैं। सपोज मतलब कोई आदमी इतना बीमार हो गया कि अब उसको जरूरत है हेल्पिंग हैंड की वापस इंडिया आने में या वहीं पर, तो कई सारे ट्रैवल इंश्योरेंस में इस तरह के एडिशनल बेनिफिट है कि वो आप एक एक्स्ट्रा आदमी यहाँ से भेज सकते हैं। ओके, हेल्पर। आप किसी फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं, बुला सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है। हाँ। कई बार वहाँ पर आपको थोड़ा आपका जो ट्रैवल पीरियड है उससे ज़्यादा रुकना पड़ जाए बीमारी की वजह से, तो कई इंश्योरेंस कंपनियां वो एडिशनल बेनिफिट देती है कि आप उसमें ज़्यादा रुक गए तो भी वो उसमें कवर हो जाएगा एडिशनल प्रीमियम पर। देखिए हर चीज की प्रीमियम पे लगेगा, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता, इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं मिलता, ये बात पक्का समझ लीजिए। जितनी आप कवर लेंगे, जितनी आपको फैसिलिटी चाहिए उतनी ज्यादा प्रीमियम लगती है, तो हर चीज की प्रीमियम है। लेकिन प्रीमियम देते हुए भी आपको ये फैसिलिटी है, तो कोई एक आदमी को आपको अलग से भेजना है तो वो हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर मिलती है। फ्लाइट डिले हो जाती है तो वहां पर भी आपको रिइंबर्स किया जाता है। एक चीज है ये समझना जरूरी है कि क्या होता है, आप पॉलिसी लेते हैं, समझिए आप यूरोप के 15 दिन के ट्रिप पे गए, ठीक है ना, वो 15 दिन के ट्रिप में आप भगवान ने करे 14वें या 15वें दिन कुछ ऐसा हो गया, सपोज अभी जैसे हाल ही में अमेरिका में बाढ़ आई, आप अमेरिका घूमने गए, आप ह्यूस्टन या टेक्सस में फंस गए, ठीक है, और अब वहां पे इस तरह का तूफान, इस तरह की बाढ़ है कि 7 दिन तक आप निकल ही नहीं सकते, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस हो गया खत्म। ओके, उसके बाद तो फ्री है, फिर अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस है नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप बात करें कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी पॉलिसी एक्सटेंड होनी चाहिए। okay. अब एक्सटेंड होने का जो रीजन है वो क्लियर कट होनी चाहिए कि अगर मौसम खराब हो गया तो एक्सटेंड हो, फ्लाइट्स डिले होंगी किसी वजह से, सपोज कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो 2-3 दिन के लिए फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाती है, जिसमें जैसे आपने लंदन में देखा था बीच में ऐसा हो गया कि 2 दिन फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रही, वो एक बार कौन सा वो स्मोक वाला आया था बड़ा तूफान लंदन में, तो फ्लाइट्स बंद हो गई। ये कभी भी कुछ भी 9/11 के टाइम अमेरिका में 3 दिन तक फ्लाइट सारी बंद थी, तो वो आप ट्रेवल इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट्स देख लें भाई कि अगर वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से, फ्लाइट्स नहीं उड़ने की वजह से, क्या ऑटोमेटिकली मेरा इंश्योरेंस एक्सटेंड हो जाता है? अगर नहीं होता है और अचानक से हुआ है और आप कर सकते हैं तो आपको तुरंत फिर ऑनलाइन जाकर उस वक्त अपने इंश्योरेंस का एक्सटेंशन ले लेना चाहिए। ओके, और तुरंत एडिशनल प्रीमियम भर लें कि भाई आपको लग रहा है नहीं 3-7 दिन मेरा ये अचानक वाली कंडीशन में, या आप बिजनेस ट्रिप पर गए और आपको लगता है अरे मेरी डील होते होते रह गई, ठीक है मेरी 2 मीटिंग्स और आ गई, या आप हम जाएं कि हमें 4 इंटरव्यू और करने पड़ गए, तो फिर हम वहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेरा इंश्योरेंस और बढ़ा दें, तो वो एक्सटेंशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन वो कर लेना चाहिए। तो दोनों तरह है, एबनॉर्मल सिचुएशन में भी और नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा इंश्योरेंस बढ़ना है तो कैसे बढ़ना। साथ ही मल्टी ट्रिप पॉलिसीज जो होती हैं उनके खास फीचर्स क्या होते हैं? ये ज्यादातर कामकाजी लोगों के लिए है, क्योंकि घूमने तो आदमी कितना जाएगा, बार बार तो जाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली जो लोग बिजनेस के ट्रिप से जाते हैं, अब उनको कई बार क्या होता है कि अचानक भी जाना होता है, सपोज किसी के पास शेंजेन का मल्टीपल एंट्री वीजा है, अमेरिका का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उस कंट्री में जा सकते हैं, वो वीजा ही आपके लिए 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का है, तो आपको हर बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अचानक से आपकी मीटिंग आ गई कि भाई मुझे कल निकलना है परसों निकलना है, तो उस समय आपके पास इंश्योरेंस लेने का टाइम है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय के लिए मल्टीपल एंट्री वाला मल्टीपल कंट्री वाला ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि आपके लिए समय और पैसा बचाने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज हमने इंश्योरेंस की तमाम पहलुओं पर चर्चा कर दी है और अब उम्मीद करते हैं कि आप भी सही इंश्योरेंस अपने लिए लेंगे और जिएंगे एक रिस्क फ्री जिंदगी। इसी के साथ पहला कदम की सीजन 3 के इस एपिसोड में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट भी यहां पर जारी किया है और
जो भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता है वो हमारे फेसबुक पेज पे चला जाए, या कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अगर महीने भर में जितने भी सवाल हमने पूछे हैं अगर आपने उसके सबसे ज्यादा बार सही जवाब दिए हैं तो आपको हम नवाजेंगे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.